Hello friends, welcome back to my channel. So in today's video, we will discuss about English conversation during child's admission interview in a school. Friends, जब हम किसी नए स्कूल में जाते हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, तो उस टाइम पर प्रिंसिपल या फिर टीचर के साथ हमारा जो इंटरेक्शन होता है एज अ पेरेंट, तो वो किस तरह से होता है उसको हमने स्टेप बाय इस वीडियो में रखा है, जिससे आप इंग्लिश के कन्वर्सेशंस भी सीखेंगे और किस तरह की बातें होती हैं पेरेंट्स और टीचर के बीच में और किस तरह से वो इंटरव्यू लेते हैं बच्चों का, वो सारा जो डिटेल्स में मैंने यहाँ पर रखे हैं सेंटेंसेस को. सो आई होप यह वीडियो आपके कुछ हेल्प करेगा. सो लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो. फादर एंटर होते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग सर. तो प्रिंसिपल उनको रिप्लाई देते हैं गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट डाउन. ओके, सो दिस इज द सिचुएशन. नाउ फादर कहते हैं मैं अजय शर्मा हूं और यह मेरी पत्नी योगिता. आई एम अजय शर्मा, माय वाइफ योगिता. ओके, वो अपने आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं प्रिंसिपल को. सो प्रिंसिपल कहते हैं आप क्या करते हैं मिस्टर शर्मा, मीन्स व्हाट डू यू डू मिस्टर शर्मा. फादर बताते हैं हमें तिरुपति फर्टिलाइजर में असिस्टेंट मैनेजर हूं, मैं तिरुपति फर्टिलाइजर में असिस्टेंट मैनेजर हूं. Means I am assistant manager in Tirupati Fertilizers. इस तरह से वो अपना क्या वो करते हैं, क्या उनका वर्क है वो बताते हैं. प्रिंसिपल कहते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, What are your qualifications? Okay, क्योंकि वो ओवरऑल देख रहे होते हैं, प्रिंसिपल्स टीचर्स देख रहे होते हैं कि क्या बैकग्राउंड है जिस बच्चे का एडमिशन हमें स्कूल में देना है, जिस बच्चे को एडमिशन देना है उनके पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड है, किस तरह की उनकी फैमिली है. तो इसलिए वो ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है. फादर कहते हैं जी मैंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीई किया है, मीन्स बीई इन केमिकल इंजीनियरिंग. प्रिंसिपल कहते हैं और मिसेस शर्मा आप क्या करती हैं, मीन्स वो ये भी जानना चाहते हैं कि मदर कितनी पढ़ी लिखी है. तो मिसेस शर्मा के लिए वो क्या कह रही हैं, एंड यू मिसेस शर्मा व्हाट डू यू डू. मदर कहती हैं जी मैं एक हाउसवाइफ हूं, मैं एक हाउसवाइफ हूं, आई एम अ हाउसवाइफ. प्रिंसिपल कहते हैं आप कहां तक पढ़ी हैं, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस. तो मदर कहती है मैं बीएससी हूं, आई एम अ बीएससी. ओके, बैचलर इन साइंस. प्रिंसिपल कहते हैं बच्चे को घर में कौन पढ़ाता है, बच्चे को घर में कौन पढ़ाता है, हु टीचर्स द चाइल्ड एट होम, हु टीचर्स द चाइल्ड एट होम. मीन्स कोई है जो बच्चे को घर में पढ़ा रहा है कि नहीं है कोई भी ऐसा जो बच्चे को घर में पढ़ा पाए, यह सारी इंक्वायरीज वो करते हैं. फादर कहते हैं हम दोनों, बोथ ऑफ अस, हम दोनों ही पढ़ाते हैं, बोथ ऑफ अस टीचर. सो प्रिंसिपल कहते हैं मिस्टर शर्मा आप बच्चे के साथ कितना समय बिताते हैं. ओके, जानना चाहते हैं कि आप बच्चे को समय दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं. हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद द चाइल्ड मिस्टर शर्मा, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद द चाइल्ड मिस्टर शर्मा. फादर कहते हैं कम से कम 2 घंटे रोज, मैं ऑफिस से करीब 6 बजे घर लौटता हूँ, 6:30 बजे से 8:30 बजे तक मैं रिया के साथ खेलता और उसे पढ़ाता हूँ. इस तरह से वो अपना शेड्यूल बताते हैं. एटलीस्ट 2 आवर्स डेली, मीन्स मैं 2 घंटे डेली उसे देता हूँ. आई कम बैक फ्रॉम ऑफिस अराउंड 6 o'clock इन द इवनिंग, मैं शाम को 6 बजे के करीब घर आ जाता हूँ. फ्रॉम 6:30 to 8:30 आई प्ले विथ रिया एंड टीचर, मैं रिया के साथ खेलता भी हूँ और उसे पढ़ाता भी हूँ 6:30 से 8:30 तक, मीन्स 2 घंटे के लिए. प्रिंसिपल कहते हैं अच्छा, और आप मिसेस शर्मा आप उसे कब पढ़ाती हैं. I see. And you, Mrs. Sharma, when do you teach her? So mother reply करती है ज्यादातर दोपहर में, जब मैं घर के काम से खाली होती हूँ. Means mostly in the afternoon, after I am free from the household chores. Mostly in the afternoon, after I am free from the household chores. Okay? जो भी घर के काम होते हैं उन्हें household chores कहा जाता है. आप बच्चे को इसी स्कूल में क्यों भर्ती कराना चाहते हैं, प्रिंसिपल सेज कि इसी स्कूल में क्यों भर्ती कराना चाहते हैं. व्हाई डू यू वांट टू एडमिट योर चाइल्ड हियर, व्हाई डू यू वांट टू एडमिट योर चाइल्ड हियर, मींस क्या क्वालिटी आपने देखी इस स्कूल में जो आप यहाँ एडमिशन कराना चाहते हैं. सो मदर सेज इस स्कूल का काफी नाम है, इसके अलावा ये हमारे घर के पास है. मीन्स 2 रीजन दिए कि इस स्कूल का नाम भी बहुत है और ये हमारे घर के भी पास है. दिस स्कूल हैज अ वेरी गुड रेप्यूटेशन, बिसाइड्स इट इज क्लोज टू अवर हाउस.
बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा, जो आप इस वोकेबुलरी को अदर सेंटेंसेस में भी यूज कर सकते हैं. इसके अलावा के लिए हम यूज करते हैं बिसाइड्स. प्रिंसिपल टॉक विथ रिया. अब प्रिंसिपल रिया से बात कर रहे हैं. बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम चाइल्ड? सो रिया कहती है रिया शर्मा. ओके, वो अपना नाम बताती है. प्रिंसिपल कहते हैं और तुम्हारे पापा का नाम? एंड योर फादर्स नेम? सो रिया सेज मिस्टर अजय शर्मा. मिस्टर अजय शर्मा. प्रिंसिपल सेज तुम कहां रहती हो? वेयर डू यू लिव? वेयर डू यू लिव? रिया सेज A46 लक्ष्मी नगर. अपना एड्रेस बताती है A46 लक्ष्मी नगर. मीन्स इंटरेक्शन कर रहे हैं बच्चे से कि उसका आईक्यू लेवल कितना है, कितने अच्छे से वह रिस्पॉन्स देता है, ये देखना चाहते हैं. सो प्रिंसिपल सेज तुम्हें पहाड़े आते हैं? डू यू नो टेबल्स? रिया सेज जी 2 से 10 तक. यस 2 to 10, मुझे 2 से 10 तक पहाड़े आते हैं. प्रिंसिपल सेज कोई नर्सरी राइम याद है? डू यू नो एनी नर्सरी राइम? रिया सेज जी बहुत सारी. यस मैनी. सो प्रिंसिपल सेज एक सुनाओ. रिसाइट वन. रिया प्रिंसिपल को एक कविता सुनाती है. मीन्स रिया नरेट्स वन पोएम टू द प्रिंसिपल. कविता सुनाने को हम नरेशन कहते हैं, नरेट कहते हैं. प्रिंसिपल कहते हैं एक फोटो दिखाकर कि यह क्या है. प्रिंसिपल रिया को एक फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं यह क्या है. शोइंग अ पिक्चर. व्हाट इज दिस? सो रिया सेज एरोप्लेन. वो एरोप्लेन की पिक्चर दिखाते हैं तो रिया उसे रिकॉग्नाइज कर लेती है, पहचान लेती है. तो कहती है एरोप्लेन, हवाई जहाज. मीन्स एन एरोप्लेन. सो प्रिंसिपल सेज स्पेलिंग बता सकती हो? मीन्स कितनी अच्छी है रिया स्पेलिंग्स में, वो भी प्रिंसिपल चेक कर रहे हैं. कैन यू स्पेल द वर्ड? कैन यू स्पेल द वर्ड? जी यस. रिया टेल स्पेलिंग. रिया स्पेलिंग बताती है. फिर प्रिंसिपल सेज अच्छा बताओ गर्म कपड़े कब पहनते हैं? ओके व्हेन डू यू वेयर वुलन क्लॉथ्स? व्हेन डू यू वेयर वुलन क्लॉथ्स? गर्म कपड़े कब पहनते हैं? रिया सेज सर्दी में. इन विंटर. प्रिंसिपल सेज हम बारिश में बाहर जाते हुए क्या लेकर जाते हैं? व्हाट डू यू कैरी व्हेन यू गो आउट इन रेन? व्हाट डू यू कैरी व्हेन यू गो आउट इन रेन? सुरिया सेज अम्ब्रेला, छाता. अम्ब्रेला. प्रिंसिपल कहते हैं ट्रैफिक लाइट में कितने रंग होते हैं? ट्रैफिक लाइट में कितने रंग होते हैं? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन अ ट्रैफिक लाइट? रिया बताती है 3. प्रिंसिपल सेज नाम बताओ. मीन्स कौन कौन से कलर है, नेम देम. रिया सेज हरा, पीला और लाल. ग्रीन, येलो एंड रेड. सो प्रिंसिपल सेज ट्रैफिक के लिए हरे का क्या मतलब है? व्हाट डज ग्रीन मीन फॉर ट्रैफिक? रिया बोलती है चलो. ग्रीन का मीनिंग होता है गो. और लाल का एंड द रेड? रिया सेज रुको. रेड मीन्स स्टॉप. तुम सड़क कब पार करते हो? प्रिंसिपल एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं. व्हेन डू यू क्रॉस द रोड? रिया सेज जब बत्ती लाल होती है. मीन्स व्हेन द लाइट इज रेड. ट्रैफिक लाइट में जब लाइट रेड होती है तब पार करते हैं रास्ता. सो प्रिंसिपल से सड़क पार करते हुए कहां पर चलना चाहिए? वेयर डू यू वॉक वाइल क्रॉसिंग द रोड? रिया सेज जेब्रा क्रॉसिंग पर. मीन्स ऑन द जेब्रा क्रॉसिंग. प्रिंसिपल सेज शाबाश, ठीक है मिस्टर शर्मा, हम आपकी बच्ची को दाखिला देंगे. मीन्स गुड. ओके मिस्टर शर्मा, वी विल एडमिट योर चाइल्ड. सो फादर ऑफ रिया सेज धन्यवाद सर. मीन्स थैंक यू सर. सो दिस इज द होल कन्वर्सेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स एंड रिया. तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जब स्कूल एडमिशन के लिए हम जाते हैं तो किस तरह की सिचुएशन होती है, किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है. आई होप आप पहले से प्रिपेयर कर लेंगे इसे
देखने के बाद आपको जरूर हेल्प मिलेगी। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होंगे तो पेरेंट्स और किड्स दोनों ही रेडी होंगे इसके लिए, ताकि आप बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू कर पाए। सो फ्रेंड्स, एक और वीडियो मैंने स्कूल एडमिशन इंटरव्यू फॉर किड्स पर बनाया था, वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप अगर इंटरेस्टेड हो उसे देखने में तो आप लिंक को क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरी चैनल यूजफुल लगती हो, आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करती हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस तुरंत मिल जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।